वेलकम टू माय चैनल ससीसा की क्लास। आज हम आपको इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू फिल्म मेकिंग पढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि स्टोरी टेलिंग कहानी कहने से लेकर आज के दौर में जो फिल्में बन रही हैं उसका एक पीरियड उसका दौर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह एक ऐसे है और यह इंग्लिश तो है लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे वो बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैनकाइंड्स ट्रस्ट विथ स्टोरी टेलिंग बिगेन अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। मैनकाइंड मानव जाति ट्रस्ट मतलब गुप्त भेंट, तो मनुष्यों का स्टोरी टेलिंग से मुलाकात आज नहीं आज से 50,000 साल पहले हो चुका था। जब When cavemen started carving images of animals and their surroundings on the walls of their caves, तो जब गुफाओं में रहने वाले व्यक्ति जो होते थे आदि मानव हम कहते थे carving मतलब नकाशी करते थे अपनी गुफाओं के दीवारों पर किसकी animals की या उनके आसपास जो भी चीजें होती थी वो नकाशी किया करते थे, तभी मनुष्यों की मुलाकात स्टोरी टेलिंग से हो गई थी। आगे लिखता है That was The first manifestation of man's compulsive desire to share a story. तो देखिए manifestation का मतलब होता है an action that is sign that something exists. तो किसी चीज का होने का अनुभव करना और compulsive का मतलब होता है that difficult to stop जिसे रोक पाना मुश्किल होना। तो मनुष्य के अंदर जो स्टोरी टेलिंग थी या अपनी भावनाओं को शेयर करना था शेयर करने की जो इच्छा थी उसी समय से विकसित हो गई थी। Whether factual or fiction story टेलिंग इज एन इंट्रिंसिक ह्यूमन ट्रेट। तो फैक्चुअल या फिक्शन इसका मतलब होता है काल्पनिक, चाहे वो रियल हो या काल्पनिक हो मनुष्य के अंदर जो स्टोरी टेलिंग की भावना विशेषता थी वो आ चुकी थी। की वाट वॉज मैनकाइंड्स फर्स्ट इंटेलेक्चुअल परसुएट। इंटेलेक्चुअल परसुएट का मतलब समझिए कनेक्टेड विथ अ पर्सन एबिलिटी टू थिंक्स मतलब कोई व्यक्ति के अंदर अपनी सोचने समझने की क्षमता विकसित होना और परसुएट मतलब द एक्ट ऑफ ट्राइंग फाइंड समथिंग कुछ चीज करने की इच्छा। तो मनुष्य के अंदर जो एक तरह के गुण थे स्टोरी टेलिंग करने की या शेयर करने की यह उसी समय दिख गया था जब मनुष्य गुफाओं में नकाशी करता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री मानव के इतिहास में Man was able to leave something behind for future generations. वो जो आदि मानव थे उन्होंने वो एक ऐसा पास्ट थे जो आने वाले जनरेशन हम लोगों के लिए कुछ छोड़कर गए और हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ही छोड़कर गया कोई। Man was able to leave something behind for future generations. It gave rise to collective memory for the cavemen of those times. और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने छोड़ कर गए हैं आज उन्हीं इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम पता करते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन कैसा था। द विजुअल स्टोरीज मतलब वैसे स्टोरी जो जिसे देखा जा सके द विजुअल स्टोरीज ऑफ द केव मैन वेयर ऑल अबाउट सर्वाइवल एंड वर मोस्टली अबाउट हंटिंग प्रैक्टिस। तो जो आदि मानव थे जो गुफाओं में रहते थे उनका जीवन सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करता था कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं और हंटिंग कैसे करते हैं, सिर्फ यही दो बातें हमको पता चलती है। इट वॉज द फर्स्ट पब्लिक अकाउंट फॉर अ कम्युनिटीज हिस्ट्री। कम्युनिटीज मतलब समुदाय, तो पब्लिक मतलब होना कि सबों में शेयर होना। तो जो नकाशी किया गया है उसी के माध्यम से हमको पता चलता है कि उन लोगों का जीवन यापन कैसा था और यह पहला एक पब्लिक कनेक्शन था। एक होता है प्राइवेट जो हमने जो किया हमको ही पता, लेकिन पब्लिक होता है जो सभी को पता हो। तो उनका जीवन आज सबको पता है, यह पहला एक पब्लिक अकाउंट इसको आप कह सकते हैं। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ ए सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। सोफिस्टिकेटेड मतलब आप जटिल कह सकते हैं। तो यह फर्स्ट स्टेप था जब एक जटिल या प्रगतिशील लैंग्वेज का विकास हुआ और वो कौन सा था, स्टोरी टेलिंग आप कह सकते हैं या फिर नक्काशी। हाउएवर इट टुक मैनकाइंड सेवरल मोर मिलेनिया। मिलेनिया का मतलब होता है, ये मिलेनियम होता है लाखों, टू पुट वर्ड्स ऑन पेपर। हालांकि आज की डेट में जो वर्ड्स हैं वो लाखों से ज़्यादा हैं जो हमारे पास हैं। स्टोरीज कंटिन्यू टू बी ओरल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन फिर भी उस टाइम जो स्टोरीज हुआ करते थे वो सिर्फ ओरल हुआ करते थे। ओरल मतलब जो हम एक दूसरे से कहते हैं, कोई उसका रिटेन नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, जब लैंग्वेज का विकास हुआ ड्राउट अलोंग
सबलिटिस, सबलिटिस का मतलब देखिए स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट डिटेल, कुछ अन्य डिटेल डेट लेड टू क्रिएशन ऑफ स्टोरीज डेट कुड इंक्लूड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जब लैंग्वेज का विकास हुआ ना, तब क्या हुआ, स्टोरी टेलिंग में कुछ और भी चीज़ें आने लगी, जैसे कि मनुष्यों की फीलिंग्स क्या हुआ या फिर उनके इमोशन को इसमें शामिल किया जाने लगा। सम थिंग डेट के वर्ड वॉज इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब हैविंग नो स्किल्स। तो हालांकि जो पर्सन होते थे, जो फॉर्म में रहते थे, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती थी, जो उनको मन में आया वो नकाशी दीवारों पर कर देते थे। द ब्रिंग अस टू ओरल स्टोरी टेलिंग, और ये चीज़ें क्या लाया उनसे, जो नकाशी करते थे हालांकि वो स्किल नहीं होता था, फिर भी स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी कहना यह विकसित किया गया। आफ्टर के बाद, अब के बाद मतलब नकाशी के बाद, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन का काफ़ी पुराना साधन था, डेट मैनकाइंड हैज इंक्लूडेड इन, जिसमें पूरा मानव जाति सम्मिलित था, मतलब कि एक तरह का नकाशी करके लोगों से बात करना। इवन टूडे मेनी ट्राइब्स, हालांकि आज भी ट्राइब मतलब जनजाति, बहुत सारे जनजाति हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कंटिन्यू टू पास ऑन देयर फोकलोर ओरली, हालांकि आज भी विश्व में बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो क्या करते हैं, ओरली टॉक करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से लिखते नहीं है, बस बात करते हैं, और फोकलोर का मतलब होता है लोक कथा, आपस में शेयर करते हैं। दिस ट्रेडिशन या जो परंपरा है, ऑफन यूज सॉन्ग, इसके अंतर्गत ज़्यादातर गाना होता है, सॉन्ग होता है, जो एक दूसरे से गाकर हम लोग एक दूसरे से पास करते हैं। चैंट, चैंट मतलब किसी चीज़ को उच्चारण बार बार करना, एंड पोएट्री, पोएट्री मतलब कविता, तो जनरली ये सब चीज़ें ओरल ही होती है। टू शेयर स्टोरीज डेट पास्ट ऑन अक्रॉस मेनी जनरेशंस, और यह जो चीज़ें थी जो पीछे से चलती आ रही थी, आज भी कहीं ना कहीं ये चलती आ रही है। मिथ वर ऑल्सो फर्स्ट पास ऑन वियर वर्ड ऑफ माउथ, तो सॉरी भाया, भाया का मतलब होता है बाई मीन्स ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम, मतलब कोई साधन। तो मिथ्स मतलब होता है काल्पनिक, तो काल्पनिक कथाएं जो जो थी, जो ओरल ही उनका विकास सर्वप्रथम हुआ था। द फर्स्ट प्रिंटेड फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, अब पहला प्रिंटिंग मतलब कि लिखा हुआ स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा है, बिगैन भाया हायरोग्लिप्स, हायरोग्लिप्स का मतलब यहाँ होता है पिक्चर और सिंबल, ऑब्जेक्ट्स मतलब किसी चीज़ का पिक्चर और सिंबल होना, इन एंशिएंट इजिप्ट, और ये एंशिएंट मतलब प्राचीन मिस्र में विकसित हुआ था, जब लोग क्या करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे सिंबल या किसी ऑब्जेक्ट को दर्शा करके। दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज पिटोग्राफिक, पिटोग्राफिक मतलब रिलेटेड टू ए फॉर्म ऑफ राइटिंग डेट यूज पिक्चर ड्रॉइंग, मतलब वही बात कर रहा है जिसमें पिटोग्राफी मतलब वैसी चीज़ें जिसमें हम राइटिंग में पिक्चर्स को शो करते हैं, मतलब कि अब यहाँ पर राइटिंग का मतलब होता है पिक्चर को शो करना, कैरेक्टर एज सिंबल एज साउंड एंड साउंड, तो इस तरह से चीज़ें हम लोग शामिल करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। द ग्रेफिक लैंग्वेज डेट्स बैक अबाउट 5000 ईयर्स एंड इट रिकोगनाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम, तो जो ड्राइंग है, जो ऑब्जेक्ट है जिसके माध्यम से टॉकिंग किया जाता था, यह आज नहीं 5000 सालों पहले से चलता आ रहा था, और यह काफ़ी प्राचीन माना जाता है, मतलब 5000 साल पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। इट वॉज नॉट ओनली यूज फॉर रिजेलियस डॉक्यूमेंट्स, हालांकि यह सिर्फ इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं था कि सिर्फ धर्म ग्रंथों में किया जाता था, बट ऑल्सो टू लाइन टॉम्स, टॉम्स मतलब समाधि एंड टेम्पल्स विथ मैसेज टू फ्यूचर इनहैबिटेंट्स, और समाधियों पर और मंदिरों पर भी इस तरह के सिंबल्स बनाए गए। आप बहुत सारे इंडियन टेम्पल्स को देख सकते हैं जहाँ पर इस तरह के नकाशी या सिंबल्स दिया गया है, और यह इसलिए बनाए गए ताकि आने वाली जनरेशन जैसे हम लोग हैं इसके पढ़कर समझ सके कि हमारे पूर्वज कैसे थे। हिस्ट्रियंस बिलीव, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं, रिसेंट सिंबल डेट बैक अबाउट 9000 ईयर्स अगो, तो कुछ हिस्ट्रियंस मानते हैं कि ये जो रिटन सिंबल था मतलब पिक्चर्स के माध्यम से, यह 9000 साल पहले चलता था। राइटिंग बिगैन एज ड्राइंग, और राइटिंग जो था वो स्टार्ट किया गया था ड्राइंग के रूप में, बट ओवर टाइम चेंज इनटू स्क्रिप्ट, और धीरे धीरे अभी चेंज हो गया स्क्रिप्ट में आ गया, मतलब अब लिखावट के, लिखावट मतलब जिसमें अल्फाबेट यूज होते हैं ए बी सी या फिर क ख ग। द करेंट अल्फाबेट्स वर डेराइव फ्रॉम ओल्डर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना अल्फाबेट, यह डेराइव मतलब लेना, तो यह कहाँ से लिया गया, प्राचीन फॉर्म से, मतलब प्राचीन तरीके में जो ऑब्जेक्ट्स नकाशी होती थी उसी को डेवलप करके आज अल्फाबेट बनाया गया। द रोमन अल्फाबेट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फाबेट इन द वर्ल्ड टुडे, और सबसे फेमस जो है वो रोमन अल्फाबेट है जो हम लोग भी पढ़ते हैं, यू आर रीडिंग इट राइट नाउ, लिखा भी गया, आप इसे अभी पढ़ भी रहे हैं। इट्स बिलीव टू हैव बीन डेवलप फ्रॉम
फोनिशियन अल्फाबेट, और ऐसा विश्वास किया गया कि यह कहाँ से विकसित किया गया, फोनिशियन अल्फाबेट से, विच डेट बैक टू 1050 BC, मतलब 1050 साल ईसा पूर्व। द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाना, फ्रॉम ओरल टू रिटन, अब ओरल से रिटन में कन्वर्ट हो गया, पहले हम लोग सिर्फ एक दूसरे से बात करके कन्वर्सेशन करते थे, अब राइटिंग भी आ गया। कल्चर ओवरलैप, तो इससे क्या हुआ कि जब राइटिंग आ गया ना, तो जो पहले की चीजें होती थी तो उसको पूरी तरह से ओवरलैप करते, मतलब ढक दिया। बट इट मोस्टली हैपेंड इन एंशिएंट ग्रीस, हालांकि ये सबसे ज्यादा हुआ मिस्र में, प्राचीन मिस्र में, जहां पर रिटन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। वेयर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन डेट फ्रॉम 70 to 750 BC, जहां पर 770 से 750 ईसा पूर्व ही पहले अगर जाएंगे तो लिखावट का काम शुरू हो गया था, मतलब काफी पहले। स्कॉलर्स सजेस्टेड, स्कॉलर्स मतलब विद्वान लोग ऐसा मानते हैं, द इलाड बाई होमर इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क इन द ग्रीक लैंग्वेज। तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि होमर जो थे वो सबसे ज्यादा काम किए थे इस तरह के रिटन लैंग्वेज को डेवलप करने में, डेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन, और ये आया कहाँ था, उन्हीं लोग की प्राचीन परंपरा से, सभ्यता संस्कृति से लेकर इसको डेवलप किया गया था। द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट का मतलब देखिए, समथिंग डेट डिले, मतलब कि लेट, डिले करना, टू द रिटन वर्ल्ड ड्यूरिंग द मिडिल एजेस वॉज द इशू ऑफ लिटरेसी। अब कह रहे हैं कि रिटेन जो था ना, उसको आने में समय इसलिए लगा कि अगर हम मध्य इतिहास में जाएंगे तो वहाँ लोगों के पास शिक्षा की कमी थी, अब शिक्षा की कमी है तो वो लिख नहीं पाएंगे ना पढ़ पाएंगे, इस वजह से इसका रफ्तार जो था वो धीमे हो गया। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक, ओनली द क्रीमेडिला क्रीमे, मतलब इसका मतलब ये समझिए कि आप कुछ खास लोग ऐसा समझ सकते हैं, और सोसाइटी हैज द प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन, प्रिविलेज मतलब उनको विशेष अधिकार। तो प्राचीन समय में हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ खास लोगों को ही शिक्षा का अधिकार मिला था, एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ द एक्सेस टू प्रिंटेड स्टोरीज, तो जो पहुंच थी प्रिंटेड स्टोरी की वाज अ लग्जरी डेट ओनली द रिच एंड पावरफुल कुड अफोर्ड। तो इतना कॉस्टली था ना कि उसकी पहुंच सिर्फ अमीर और खास लोगों तक ही उसकी पहुंच थी, और वही एफर्ट मतलब उसको पाने में सक्षम थे, बाकी लोग जो थे वो गरीब थे, उनकी पहुंच से बाहर थी। Meanwhile, इसी बीच द masses continue to share stories orally. हालांकि बाकी जो जनसंख्या थी, masses मतलब जन समूह था, वो अपनी स्टोरी को oral, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं ना, वैसे ही शेयर करती थी। This was also the time when stage and street theaters became popular. इस समय की बात है जब गली में स्टेज लगाकर प्रोग्राम करना या थिएटर लगाना छोटा छोटा, वो काफी पॉपुलर था। It was not until the invention of the printing press in 15th century. हालांकि ये पहले तक काफी फेमस था, लेकिन 15 शताब्दी के बाद जब क्या हुआ, डेट पीपल कुड हैव एक्सेस टू लिटरेचर, 15वीं शताब्दी के बाद अब लोगों की पहुंच जो थी ना वो लिटरेचर मतलब साहित्य तक पहुंचने लगी। जोनेस गुटरबर्ग, जिनका जन्म 1400 में और मृत्यु 1468 में हुआ था, अ जर्मन ब्लैक स्मिथ इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है, तो उसके बाद लोगों की पहुंच अब कहां तक आने लगी, अब लिटरेचर में भी लोग सीखने लगे, मतलब लिटरेचर अब पढ़ने लगे। मास प्रिंटिंग ब्राउट एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन बाय एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लिटरेसी। तो मास प्रिंटिंग मतलब कि जब न्यूज़पेपर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो जब इस तरह की चीजें छपने लगी ना, तो इससे काफी क्रांतिकारी परिवर्तन आया और लोगों के अंदर शिक्षा की भावना को जागृत किया। ठीक है, लोगों ने समझा कि अब हमको शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो ऑब्वियसली मन करता है हम लोग भी पढ़ने को, तो यही लोगों के अंदर भावना है और उनके अंदर ये भावना आ गई कि अब हमको भी शिक्षा लेनी है। मेनी हिस्ट्रियंस टुडे बिलीव, बहुत सारे इतिहासकार विश्वास करते हैं, डेट नो इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन सोसाइटी दैन द इंट्रोडक्शन ऑफ मास प्रिंटिंग। तो ऐसा कोई आविष्कार नहीं है लोगों के अंदर भावनाओं को जगाने का, मतलब उनको डेवलप करने का, ऐसा कोई आविष्कार नहीं जितना बड़ा योगदान किसका है, मास प्रिंटिंग का। द हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग, अब हम बात करें स्टोरी टेलिंग की, इज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेनी वे, उसको भी आप एक तरह से टेक्नोलॉजी ही कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज लार्जली शेप्ड द वे वी लीड आवर लाइव्स एंड हाउ वी टेल आवर स्टोरीज। तो टेक्नोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, हमारे जीने की जो तरीका होता है उसको चेंज करता है, तो स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस था टेक्नोलॉजी ने उसको भी चेंज कर दिया।
स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th सेंचुरी की बात करें तो स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैज बीन ट्रेमेंडस। जो प्रोसेस था, सॉरी प्रोग्रेस उसका था, वो काफ़ी ट्रेमेंडस था, जबरदस्त था। इन अ स्पैन, इन स्पैन का मतलब होता है इस बीच अवधि में, ऑफ 200 ईयर्स, 2 साल की अवधि की हम बात करें, वी गॉट ए प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब बहुत ज़्यादा, वी गेट अ प्लेथोरा ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑप्शंस राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ फोटोग्राफी टू रेडियो टू मोशन पिक्चर्स। तो अब क्या हुआ, जो स्टोरी टेलिंग था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ किस में, वो फोटोग्राफी में मतलब फोटो पिक्चर्स में, और धीरे धीरे रेडियो में, और फिर मोशन पिक्चर मतलब वीडियो में। फोटोग्राफी वॉज द नेक्स्ट मेजर स्टेप ऑफ इन द ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब पिक्चर क्लिक करना, ठीक है, मतलब पिक्चर के माध्यम से एक दूसरे से टॉक करना। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी हैड मोर देन जस्ट वर्ड्स टू से स्टोरी। अब पहली बार जब फोटो आ गया तो अब हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम अपनी स्टोरी को और अच्छा बना सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि स्टोरी में अगर कोई फोटो आ जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। इन द बिगनिंग फोटोग्राफ्स वर मोस्टली यूज टू सुप्लीमेंट, सुप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, और स्टोरी, बट एज द कलेक्टिव मेमोरी ऑफ आवर स्पेसिस बिगैन टू एक्सपैंड, फोटोज बिकेम अ मीडियम इन इटसेल्फ। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि स्टोरी टेलिंग जब होती थी, स्टोरी लिखना, तो इसमें क्या होता था, फोटो को ऐड कर दिया जाता था। इसमें क्या होता था, फोटो ऐड करने से वो स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास इतना होने लगा कि स्टोरी टेलिंग से फोटोग्राफ ज़्यादा वैल्यू उसका होने लगा, मतलब ये अपने आप में ही एक स्टोरी बन गया, ठीक है। फोटोग्राफी इज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, वही बात है, वो स्टोरी टेलिंग से अपने आप को अलग हो गया, मतलब कि स्टोरी टेलिंग और फोटोग्राफ्स, अगर आप सिर्फ फोटोग्राफ्स भी लगाएंगे तो लोगों को स्टोरी समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाहता है। टुडे फोटोग्राफी इज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड ऑफन फोटोज डिस्क्लोज सच डेंस प्लॉट्स दैट वर्ड्स कैन नेवर कैप्चर। कभी कभी फोटो जो होता है वो बातें कर देती है जो एक स्टोरी नहीं कर सकती। आज की डेट में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ का पिक्चर है, उसको मास्क लगा दिया जाता है, पेड़ काट दिया जाता है, कोई कैप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अच्छे से समझ जाते हैं कि इस पिक्चर के माध्यम से कहना क्या चाहता है। अगर हम इसको राइटिंग ऐसे के रूप में लिखें तो शायद वो बातें नहीं लिख पाएंगे जो एक पिक्चर कह देता है। मोशन पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स का मतलब होता है वीडियो। मोशन पिक्चर्स वर अ नेचुरल प्रोग्रेशन आफ्टर फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के बाद तो अब क्या आ गया, वीडियोस आ गया, जिसमें मोशन मतलब हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं तो चलते हैं ना, वो चीज़ें अब आ गई थी। फिल्म्स ओपन ऑफ अ वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग्स। अब क्या हो गया, जो स्टोरी टेलिंग्स होता था अब उस पर फिल्म बनाए जाने लगे, उसको मोशन पिक्चर्स के माध्यम से मतलब वीडियो, उस स्टोरी को वीडियो में कन्वर्ट किया जाने लगा। टुडे इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ शेयरिंग स्टोरीज। आज की डेट में वीडियो जो है वो क्या है, अपनी स्टोरी को शेयर करने का सबसे अच्छा माध्यम है। कोई स्टोरी को आप वीडियो के रूप में बनाएं, उसको शेयर कर दीजिए। बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब वॉच फिल्म्स एवरी डे। आज के डेट में जो फिल्में होती हैं वो हर कोई व्यक्ति देखता है, मतलब कि विश्व में लाखों लोग देखते हैं, और वो क्या होता है, वो एक स्टोरी होता है, उसी स्टोरी को वीडियो के रूप में बनाया जाता है और हम लोग के सामने लाया जाता है, और वीडियो के माध्यम से हम पूरा स्टोरी समझ जाते हैं। फ्रॉम थ्रिलर्स ऑफ ट्रेजेडीज टू रोमांस, तो हर तरह की फिल्में होती है, ट्रेजेडी होती है, थ्रिलर होती है, रोमांटिक होती है, देयर आर फिल्म्स ऑफ ऑल काइंड्स, और आज हर टाइप की फिल्में हमारे पास अवेलेबल है। द अराइवल ऑफ द इंटरनेट, अब इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के आगमन से, इज द मोस्ट रिसेंट फिनोमिनन इन दिस रिच ट्रेडिशन। आज हमारे समृद्धशाली परंपरा में इंटरनेट जो है सबसे रिच है, सबसे समृद्धशाली आप कह सकते हैं। द फ्रीडम डेट द इंटरनेट प्रोवाइड्स हैज नेवर एग्जिस्ट बिफोर। इंटरनेट ने जो स्वतंत्रता हम लोग को दिया ना, वो शायद ही कभी अवेलेबल नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि पुराने माध्यम में आपको कोई मूवी देखना हो तो आप थिएटर में जाएंगे, जब टीवी पर देखेंगे आप वेट करेंगे, ठीक है, कि कब वो फिल्म रिलीज होगी। लेकिन आज के डेट में अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप बस मूवी का नाम टाइप कीजिए, वो मूवी आपके सामने आ जाएगा। तो इतनी फ्रीडम पहले कभी नहीं थी। टुडे आवर स्टोरी कैन बी शेयर विद मिलियंस ऑफ पीपल। आज के डेट में जो भी हमारी स्टोरीज है उसको हम अगर वीडियो के रूप में बनाते हैं तो लाखों लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं, ठीक है, विद अ फ्यू क्लिक ऑफ अ माउस और अ फ्यू टैप्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द स्मार्टफोन। मतलब कि एक माउस क्लिक कीजिए, हजारों फेसबुक, व्हाट्सएप, हजारों लोग पर शेयर हो जाएगा। एक बार आप स्मार्टफोन को क्लिक कर दीजिए, आपकी स्टोरी सभी लोगों में शेयर हो जाएगी, ठीक है। सोशल मीडिया साइट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम
आज की डेट में क्या क्या है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, इसी के माध्यम से हम अपनी जो वीडियोस होते हैं उसको शेयर करते हैं। वीडियोस क्या होता है, वो एक स्टोरी होता है जिसको वीडियो के रूप में बनाया जाता है। अलाउ पीपल टू शेयर स्टोरीज विद द होल वर्ल्ड इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, जैसा कि हम अभी वीडियो आपको बना रहे हैं, अगर आप इसको शेयर पर क्लिक कर देंगे तो मेरा ये वीडियो लाखों लोगों के बीच शेयर हो जाएगा एक सेकेंड में। आवर एंसेस्टर्स नेवर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, नेवर हैड सच एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, चाहे वो कितने साल पुराने, उनको इस तरह की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो उम्मीद है आपको स्टोरी पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर भी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।